नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। किस्मत कनेक्शन में आज टैरो कार्ड्स के जरिए बताएंगे कि आखिर क्या कहता है टैरो कार्ड्स आपके भविष्य के बारे में। तो किस्मत कनेक्शन आप ही का शो है और आप इस शो में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सवाल अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिर्धा जी हैं। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। तो डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है या कोई भी चिंता आपको सता रही है तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस शो में। नंबर लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, कोई भी सवाल हो डॉक्टर सीमा के पास जवाब है, वो आपको तमाम आपके सवालों का जवाब देंगी। साथ ही साथ आपको एक कहानी भी आज डॉक्टर सीमा सुनाने वाली हैं, हर रोज की तरह एक ऐसी कहानी जिसमें काफी गहरा मतलब होता है, जिंदगी के कई मायने वो कहानी भी सिखाते हैं। डॉक्टर सीमा, आज क्या कहानी आप सुनाने वाली हैं? बिल्कुल, हमें जहाँ पे हम रोज सोचते हैं और हम रोज करते भी हैं, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक्सपेक्टेशन की और यहाँ पे बात हो रही है जिससे हमें काम नहीं पड़ता उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो नेग्लिजेंस आज आप कर रहे हो ये नहीं पता कि कल आपको ही उसी की जरूरत हो, तो ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसको उपेक्षित कर रहे हैं और किससे अपनी अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ आपको बने रहना होगा और थोड़ी देर बाद ये कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सीमा से जान लेते हैं आज का दिन। जी, आज का दिन हम सबका, हरियाणा वासियों का कैसे जानने वाले और उनको क्या करना चाहिए जिससे वो आज का दिन अच्छा बना सके। तो पहली बात, ज्यादा सोचे नहीं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे तो जरूर करें। कोई भी बात को लेकर इनडिसिसिव नहीं होना है, मतलब आपको फर्म डिसीजन लेने होंगे। और दूसरी बात ये कि अपने अंदर ऊर्जा लाएं और पूरे दिन को अच्छा बनाएं और डिसाइड करें क्या करना है। चलिए, बहादुरगढ़ से हमारे साथ पहली दर्शक जुड़ गई हैं, रीना, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैडम नमस्ते। नमस्ते, मैं बहादुरगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च जी 1964 जी। मैडम मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो अब एक्सपायर हो चुकी है, कब के नहीं है। मेरे को वो प्रॉपर्टी बिना केस लड़े मिल जाएगी या मुझे केस करना पड़ेगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ। पहली बात, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें ये 100% आ रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी, आपका इनहेरिटेंस का नंबर आपके पास है। लेकिन ये सवाल, ये मुद्दा जानने की बात है कि आपको केस करना पड़ेगा या बिना केस के बात होगी, क्योंकि मिलना तो है। और अगर यहाँ पे कार्ड कह रहे हैं कि अगर आप प्यार से बात करें, अगर आप किसी बड़े इंसान को बीच में डालें, तो डेफिनेटली आपका बिना केस के ही काम हो सकता है। आपका व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से आप अपनी चीजों को वापस से पा सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन इस तरह की करनी नहीं है। और केस वेस के मामले में आप चीजों को और उलझा देंगे, वो और लंबा हो जाएगा। चलिए, तो रेवाड़ी से अगले दर्शक हमारे साथ योगेश फोन लाइन पर है। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? योगेश, आप सुन पा रहे मुझे? योगेश तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं बन पा रहा योगेश से। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप भी जुड़ सकते हैं। राजेश अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश जी स्वागत, सवाल पूछिए। आप सुन पा रहे हैं राजेश जी? राजेश, आपको आवाज मिल रही है क्या? नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं अपनी बेटी जी, नमस्कार जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी, आपकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1993 है जी। जी, और उसका नाम रिशु है, उसके गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ और उसके और शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी।
अगर जहां तक बात करें इनकी शादी के लिए, तो अभी थोड़ा जल्दी है, पर कार्ड देखते हैं शादी के लिए क्या कहते हैं। बिल्कुल अभी आप जल्दी है, शादी नहीं करनी है अभी जल्दी से। और दूसरी बात, आपने कहा गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कार्ड उतने अच्छे नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चा आपका बहुत ही आर्टिस्ट ये कह सकते हो उसको, आप इंटेलिजेंट कह सकते हो, क्रिएटिव कह सकते हो, एक्शन ओरिएंटेड कह सकते हो, मेहनती बच्चा है, तो आप उसके लिए एक सपोर्ट फैक्टर या एक गाइड जैसे बनते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा आपको सोचना चाहिए जो कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं पूरी जिंदगी भर के लिए। स्पेशली गर्ल है तो उनको तो पक्का से ये होना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, पर ये जरूरी नहीं है। वो आप सोच भी रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो कार्ड उतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन आप बाकी दूसरी चीजें कुछ कर सकते हैं। चलिए पंजाब से अगले दर्शक उपदेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उपदेश जी बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। मेरा नाम शंकर है जी, और मैम बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी ना लाइफ एक बार डाउन हो चुकी है, और मैं ना जॉब कर रहा था पिछले 10 साल से, पर अब जॉबलेस हूँ 6 साल से। मेरी वाइफ ने 498 का केस में भी मुझे फंसा रखा है पिछले 5 साल से, वो घर में मम्मी पापा और छोटी सिस्टर एक्सपायर हो चुके हैं, और मैं 2013 से जॉब है, तो फिर से मैम जॉब लगे कर पाऊंगा या मैं सुसाइड कर लूंगा। ये जॉब कर पाएंगे तो यहाँ पे मतलब थोड़ा इससे सा कुछ मेरी अर्निंग होगी बनने का, मेरे को करने का दिख रहा है आपको ये बता। क्या सवाल है इनका? अवधेश अब सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे, आवाज आपकी सही से नहीं आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ मैम, जैसे मेरी लाइफ डंप हो चुकी है, घर में सब एक्सपायर हो चुके हाँ हैं, हाँ। वाइफ छोड़ चुकी है मुझे शुरू में ही छत के बाद, मैं अकेला हूँ जीवन में पिछले 5 साल से, तो मेरी मैडम अर्निंग स्टार्ट होगी किसी तरह, या जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं मैं भी सुसाइड करता हूँ, ये पूछना है। पहली नहीं बात, उपदेश आप इतना अच्छा जीवन मिला है, उस जीवन के लिए आप कम से कम अपने बारे में ना सोचकर तो किसी और की मदद कर दें, वो अच्छी बात है। जो आपका जो सेकंड थॉट है दैट इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब जीवन का नाम है संघर्ष, और कल ही हमने अपने शो में ये भी बोला था कि सुख और दुख का कॉम्बिनेशन है। अगर मान लो आपके कर्म उनके साथ नहीं थे तो इसलिए वो सब चले गए, लेकिन दुनिया अपनी आप वापस से बसा सकते हो। और यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं जो कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा या पर्टिकुलर होना, या अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि आप आपके जैसे लोगों की मदद करके जो असहाय हैं जिनका कोई नहीं है, आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। यहाँ पे कार्ड्स आपके पॉजिटिव रह रहे हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें कार्ड ये बता रहे हैं कि आप डाउट करते हैं या प्रॉब्लम है या फाइट हो गई है या किसी से नाखुश है, जबकि रास्ते भी हैं मंजिलें भी हैं, लेकिन आप उन रास्तों को ढूंढ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आप जॉब कर सकते हैं, अगर जॉब नहीं करना तो आप सेवा भावना से किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं। सो आपको खाना वहां पे मिल जाएगा, आपको रहने की जगह वहां पे मिल जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने ये कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ऐसा करना इज वेरी इजी। मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग करते हैं वो सही नहीं है। ये जीवन इतना अमूल्य है, अपने इस जीवन को सकार्थ बनाने के लिए आपको कोई नया रास्ता खोजना होगा बिल्कुल और अपनी नई मंजिल तलाशनी बिल्कुल होगी। उपदेश, अपनी जीवन की अहमियत को आपको समझना होगा, दूसरों की खुशी में आप अपनी खुशी तलाशेंगे तो कहीं ना कहीं खुशी आपको भी जरूर मिलेगी। और जो ये थॉट आपके दिमाग में आया है, प्लीज इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने माइंड से निकाल दीजिए, कुछ प्रोडक्टिव सोचिए। अमरजीत अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमरजीत जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो, जी अमरजीत जी सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, आप मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसका जी हम पासपोर्ट लगाना चाहते हैं यूएसए के लिए, हाँ स्टडी बेस में भेजना चाहता हूँ उसको, हाँ तो हाँ आपकी बेटी बताओ की डेट ऑफ क्या बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1991। 11 दिसंबर 1991, तो आपकी हाँ जी बेटी तो विदेश जाने वाली है, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आप बोल रहे हैं बनाना चाहते हैं, आपकी हाँ बेटी के जी नंबर ऐसे हैं कि वो जा सकती है, यूएसए जा सकती है। तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं दोनों के दोनों। आप एक चलिए, महीने का टाइम लगेगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, और स्पेशली पढ़ने के लिए उनके नंबर बहुत अच्छे हैं, शी इज वेरी गुड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपका नाम रोशन करने वाली हैं। सो आप अपने काम को अच्छे से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गोहाना से हमारे साथ अगले दर्शक सुशीला फोन लाइन पर हैं। सुशीला जी स्वागत, सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ।
आप क्या पूछना चाहते हैं? सुशीला, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क शायद आपके नहीं। हेलो मैडम जी, बीडीएस मेडिकल में बीडीएस के फाइनल ईयर के एग्जाम दे रखा है, उसकी सरकारी नौकरी है, उसकी शादी के बारे में बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1993। 23 फरवरी 1993। ओके, सबसे पहले आपने पूछा कि उनकी सरकारी नौकरी, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन शादी और दूसरी जगह में नौकरी लाइक प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब का बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, बहुत पैसे मिलने वाले हैं उनको, और सुनिश्चित करें कि वो प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में काम करें इफ शी इज अ डॉक्टर, देन शादी के लिए अभी जल्दी ना करें, वही ठीक रहेगा। चलिए अम्बाला से अगले दर्शक हमारे साथ गणेश लाल फोन लाइन पर है, आपका बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्ते मैम, मैं अपने बेटे के पूछना चाहता हूँ। जी, बेटे का डेट ऑफ बर्थ और उनका सवाल। 1 सितंबर 2011। जी, उसका मैं जी एजुकेशन और हेल्थ और फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ जी। उनके हेल्थ के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी उनके कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, सो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी लाइक बच्चे के सारे इंक्यूजिटिव होते हैं इस उम्र में बच्चे, तो आप उनके सवालों के जवाब दें, उनको सपोर्ट दें, उनको वक्त दें। देखिए आपका बेटा जो है वो बहुत ही अच्छा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, आपका भी ध्यान रखेंगे जैसे आज आप उनका ध्यान रख रहे हैं। चलिए सिरसा से हमारे साथ एक और दर्शक है रीता फोन लाइन पर, रीता जी स्वागत, सवाल पूछिए। आप सुन पा रही मुझे रीता जी? आप सुन पा रहे मुझे रीता? चलिए संपर्क शायद उनसे हमारा टूट गया है, तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ेगा, फॉर नॉट रहे। बियाने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए, अब पशु को गुलकंद नहीं गुलकंद रसायन खिलाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हर कार्ड के पीछे छुपा होता है आपकी जिंदगी का राज, इस राज से रूबरू होइए आप भी। मैं सुलझाऊंगी आपकी उलझनों को और बताऊंगी आपको आपका राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से, क्योंकि हर कार्ड कुछ कहता है। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध, डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। बियाने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए, अब पशु को गुलकंद नहीं गुलकंद रसायन खिलाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में, जहां लगातार हम बता रहे हैं आपको कि आखिर आपके सवालों के जवाब क्या है। डॉक्टर सीमा हमारे साथ स्टूडियो में लगातार है और वो बता रही हैं कि आखिर आपकी परेशानियों का हल कब और कैसे होगा। डॉक्टर सीमा, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है हिसार से, रेणु जी बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो जी, रेणु जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो मैं बीमार बहुत रहती हूँ जी,
और मैं आगे ठीक हो पाऊंगी कि नहीं, और दूसरा क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22 अक्टूबर 1983 22 अक्टूबर 1983। पहली बात, आपकी आवाज से ये लगता है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, और जहाँ तक आपने बात की है कि इल हेल्थ की, आप तो रॉक स्टार है, तो आप इल हेल्थ की बात क्यों करते हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी इंटेलिजेंस को ठीक से इस्तेमाल करना है, अपनी ऊर्जाओं का सही से चैनलाइजेशन करना है। सो यूं कहूंगी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपके नंबर पॉजिटिव हैं। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं ये देख लेती हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपकी एनर्जीज को देखकर जो आप कह रहे हैं इल हेल्थ, तो इल हेल्थ जो आपकी है वो रहने नहीं वाली है। यहाँ पे आ रहा है कार्ड पॉजिटिव, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो आज से आप यही सोचेंगे, अप्लाई करेंगे, अपनी ऊर्जा का सही संचरण करेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, सब कुछ पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए अंबाला से अगली दर्शक हमारे साथ ऋतु फोन लाइन पर है। ऋतु जी बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी मेरा नाम ऋतु शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च 1970 है। जी तो मुझे ये सवाल पूछना था कि जैसे मेरी जॉब लगती है, लेकिन अभी मैं एक बिजनेस रही हूँ, अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस है, तो ये बिजनेस कैसा चलेगा? पहली बात, आपकी कंसल्टेंसी बिजनेस के लिए कार्ड पॉजिटिव आ रहा है, एक अपना नाम और एक अपनी छवि मार्केट में बना पाएंगी, अपना ब्रांड क्रिएट कर पाएंगी। चाहे आज जैसे घर बनाना हो, एक एक ईंट लगाते हैं तो आपकी दीवार बनती है, दीवारों से आपका घर बनता है। तो मैं ऐसे ही कहूंगी, अपने बिजनेस में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन पक्की बात है आपका काम किया हुआ जो है वो वेस्ट नहीं जाता है। सो आप बहुत ही अच्छी हैं बोलने में, कंसल्टेंसी विल बी आइडियल थिंग फॉर यू एंड यू आर वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। सो जो कंसल्टेंसी है आपके ऊपर लोग विश्वास भी करते हैं, तो बहुत अच्छा है। और जो जॉब है उसके लिए अभी आप हाफ हार्टेड अप्रोच अपना रही हैं, तो जिंदगी में अगर कहीं पे भी सफल होना है, दो नावों में सवार होकर नहीं चलना। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस करें, थिंग्स विल बी बेटर इन योर लाइफ। चलिए सिरसा से हमारे साथ राजकुमार जी अगले दर्शक जुड़ गए हैं। राजकुमार जी बहुत स्वागत आपका, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1975। 5/10 एक बार फिर से दोहराएंगे। 1975 5/4/1975 ओके। आपका सवाल। मैडम मैं एमसी के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, क्या मैं जीत सकता हूँ या नहीं, या फिर मेरे को सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं? मैडम पहली बात, अगर एमसीडी के इलेक्शन 2015 में है तो 200% नहीं 500% आप जीतेंगे। तो आप चुनाव लड़ें और चुनाव में आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं हमारे कार्ड्स। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा सरकारी नौकरी का, तो यहाँ पे आ रहा है कि सरकारी नौकरी जरूर करेंगे आप, लेकिन उसके लिए जो प्रयास करने हैं वो नहीं कर रहे हैं, उन प्रयासों को ठीक से करें। आपकी लाइफ में सरकारी नौकरी भी होगी और आप नेतागिरी भी करने वाले हैं। चलिए राजस्थान से हमारे साथ सिमरन अगली दर्शक फोन लाइन पर हैं। सिमरन जी बहुत स्वागत, क्या पूछना चाहती हैं? सिमरन आप सुन पा रही है मुझे? सिमरन टीवी के वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, कर दी मैंने। बताइए सवाल बताइए। मैम मेरा भांजा है, दिसंबर उसका जन्म है मैम, तो वो आगे। हाँ जी, हेलो मैम। जी जी बोलिए। मैम मेरा भांजा है कीर्तन सिंह, मैं नई मंडीगढ़ थाना राजस्थान से बोल रही हूँ, जिला श्री गंगानगर से मैम। तो मेरा भांजा 24 डेट ऑफ बर्थ उसकी है मैम 24 दिसंबर 2010 मैम। तो वो मुझसे मैम अगर आप उसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हैं। हाँ जी मैम, पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ और मैम हम उससे सपोर्ट में लेके आना चाहते हैं खेल में, तो उसका भविष्य कैसा क्या लेके आने वाले हैं? सिमरन आपकी आवाज सही से नहीं मिल रही है, तो आपने टीवी। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा जो भांजा है ना, मेरे सिस्टर का बेटा है मैम, तो हम उसको आगे क्रिकेट में लेके आना चाहते हैं मैम। अभी तो उसकी क्रिकेट में लेके आना चाहते हैं, बहुत छोटा सा बच्चा है सिमरन, आपने बहुत दूर की प्लानिंग कर ली, देखते हैं कार्ड्स क्या। लेकिन यहाँ पे आपका जो भांजा है उसकी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि वो आप क्रिकेट में लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कार्ड बड़े पॉजिटिव आए हैं। लेकिन क्रिकेट में लेने के लिए अगर वो इतना एक्शन ओरिएंटेड है, बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, तो आप उनको अभी से जैसे थोड़ा 4-5 साल के बाद से ही उनका एक कोच रखे, उनको ट्रेन करे। आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपका भांजा बहुत कुछ कर सकता है। चलिए आपका भांजा बहुत कुछ कर सकता है सिमरन, आप
उनको ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद आप उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए ताकि वो बहुत ही बेहतर इसमें कर सके। एक कहानी भी सुनाएंगे लेकिन उससे पहले मेवात से एक दर्शक फोन लाइन पर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अनीता जी बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है मैम। डेट ऑफ बर्थ और सवाल। डेट ऑफ बर्थ है मैम 26/10/2007। जी हाँ जी, इसके हेल्थ और फ्यूचर के बारे में पूछना है मैम। बिल्कुल अनीता जी, आपके बेटे की हेल्थ के लिए कार्ड देख रही हूँ और साथ में उनके फ्यूचर के लिए और पढ़ाई के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके फ्यूचर की कोई चिंता ना करें, हेल्थ भी परफेक्ट रहने वाली है और जहाँ तक पढ़ाई के कार्ड आ रहे हैं वो भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं और हेल्थ का भी कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है। सो मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करनी चाहिए, बस ये कहें कि थोड़ा नेचर के करीब रहे, मतलब उनको खेलने जरूर भेजें, उनको पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और खेलने के टाइम खेलने दें। कई बार ये मदर्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, तो ओवर प्रोटेक्टिव ना हो और अच्छा सोचे, अच्छे संस्कार दे, यही आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए जाखल मंडी से गोल्डी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोल्डी जी सवाल पूछिए। गोल्डी आप सुन पा रहे मुझे? चलिए संपर्क लग रहा है गोल्डी से हमारा टूट गया है, तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और लेकिन अब मैं चाहूंगी डॉक्टर सीमा कि आप जल्दी से जो कहानी हमारे दर्शकों को आज सुनाने वाले हैं वो कहानी सुनाइए। मुझे लगता है कि कहानियां हम रोज सुनाते हैं लेकिन आज की जो कहानी है वो हम बिना सोचे बिना जाने किसी इंसान को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। पहले जमाने में 5-स्टार होटल्स और ऐसे नहीं होते थे। एक गरीब सा दिखने वाला आदमी एक सराय में जाता है रुकने के लिए और जो सराय के लोग होते हैं, मालिक और जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो उसको एक ठहरने के लिए कमरा दे देते हैं। लेकिन जैसे अमीर लोग जाते हैं तो उनको जैसे उनका खास ख्याल रखा जाता है, तो उन्होंने सोचा ये दिखने में तो अच्छा नहीं है इसलिए ये हमें क्या इनाम देगा, इसलिए हम सेवा नहीं करते, रहने के लिए दे दिया। ना उनको पूछा चाय पानी के लिए, ना उनको साबुन तेल के लिए, किसी चीज के लिए नहीं पूछा गया। लेकिन जब वो व्यक्ति अगले दिन सुबह वापस सराय छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने 10-10 अशर्फियां जो है काम करने वालों को बांट दी। तो सब लोग हैरान हो गए कि ये दिखने वाला गरीब आदमी ये 10-10 अशर्फियां कैसे दे रहा है, जबकि हमने तो इसका ख्याल भी नहीं रखा। लेकिन थोड़े दिन बाद वो फिर उस सराय में आ गया, चला गया उस टाइम। थोड़े दिन बाद सराय में फिर आ गया। अब जितने लोग थे वो सब स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे कि अगर नहीं करने पे इन्होंने 10 अशर्फियां दे दी, अगर हम इनका थोड़ा ख्याल रखेंगे तो ये कितना कुछ दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन जब वो अगले दिन वापस जाने लगे तो उन्होंने एक एक सिक्का, एक एक कॉइन जो कि तांबे का खराब सा, जो कि एक्सपेक्ट नहीं करता आदमी किसी से, वो उन्होंने जाते टाइम एक एक सिक्का दिया। लेकिन सब लोग ये भी सोच रहे कि इस बार तो हमने इनकी बहुत सेवा की है, लेकिन इस बार इन्होंने हमारे साथ क्या किया। तो उन्होंने ये कहा कि ये सिक्का जो पिछली बार आपने मुझे ठहरने के लिए दिया जगह, उसके लिए है। और जो इनाम मैंने पहले दिया था वो आज की सेवा के लिए है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें किसी से बिना परखे बिना जाने उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पहली चीज, और अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, किसी की देखे जाने बिना उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही डॉक्टर सीमा ने कहा, हमेशा ऐसा कहा भी जाता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, तो जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी और से उतना ही हर्ट आप होंगे। तो एक्सपेक्टेशन आप किसी से मत कीजिए, अपना काम करते रहिए और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बेहतर जरूर बनेगी। डॉक्टर सीमा बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आई, आपने दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब दिया। चलिए इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में अभी के लिए बस इतना ही, कल एक बार फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।